इस स्टेज में आपने लीफ में पानी नहीं डालना है। सकुलेंट की कटिंग कुछ टाइम ड्राई करने के बाद आपने उसे ड्राई सॉइल में लगाना है, ना कि गीली सॉइल में। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सकुलेंट केयरिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सेशन 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सकुलेंट्स में आपने पत्तियों में इसकी कब पानी नहीं लगाना है और कैसे इसको चेक करना है कि इसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं, या आपका प्लांट अभी रूट सिस्टम डेवलप हुआ है कि नहीं। तो सेशन 3 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले ये लीफ लगाई थी, सकुलेंट्स की लीफ हार्वेस्ट की थी। इसको मैंने शेडी इलाके में, शेडी ऐसी जगह रखा जहाँ सनलाइट हल्की, बहुत हल्की आती है, ज़्यादा तेज़ सनलाइट में भी नहीं रखना है इसको। देख रहे हैं, छोटा सा पप निकला है, इसमें रूट सिस्टम हुआ है। इस स्टेज में आपने सकुलेंट में पानी नहीं डालना है। फिर आप कहेंगे कि इसमें ये पानी कैसे लेगा, क्योंकि ये अभी डिपेंड अपनी मदर लीफ पे है। जो इसकी ये लीफ है, ये इस पे डिपेंड है अभी। ये प्लांट इस पे डिपेंड है अपनी मदर लीफ पे। तो इसे आपने पानी नहीं देना है जब तक ये बिल्कुल बिल्कुल पत्ती ये सूख ना जाए। जब जैसे जैसे पत्ती सूखेगी, ये प्लांट और बड़ मैच्योर हो जाएगा। थोड़ा मैच्योर होने के बाद इसको आप शावर से देना है पानी, जैसे ओस की बूंदें पड़ती है वैसे पानी डालना है, ना कि आपने शावर डायरेक्ट डालना है। शावर को थोड़ा दूर से डालना है आपने। ऐसे इसमें ग्रो करना है आपने, और पानी अभी नहीं लगाना बिल्कुल इसमें, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी लीफ में पानी रहता है सकुलेंट्स की। तो आपने बिल्कुल भी पानी नहीं देना है इसमें। और शेडी इलाके में रखना है, ना कि सब आपने कहीं धूप में रख देना है, बाहर रख देना है। हाँ, जैसे ही देखिए, ये अभी मैं कह रहा था कि ये देखिए पत्ती ड्राई हो चुकी है बिल्कुल। तो ऐसे इसमें इसको क्या करना है, इसको आपने जिस भी पॉट में लगाना है, या तो इसको यहाँ से निकाल के इसकी ये जो ड्राई लीफ है इसको हटाना है। तब इसे हल्का हल्का शावर से पानी देना है, इसके बाद हटा के इसे प्लांट को लगाना है कोई सही पॉट में, जो भी हो, मतलब छोटे छोटा पॉट में लगाना है, ना कि अभी बड़े पॉट में लगा देना है। और रही सेकंड बात, ये कुछ पहले टाइम मैंने 15 से 20 दिन हो गए, 2 हफ्ते तक मैंने इन कटिंग को सुखाया, 1-2 हफ्ते तक इन कटिंगों को। अब देखिए, इन पर रूट सिस्टम डेवलप हो गया। ये देखिए, निकल नहीं रही हैं, देखिए खींचने पे भी नहीं निकल रही हैं ये। देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। एक दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ मैंने ये घोस्ट प्लांट भी कटिंग किए थे, मेरे कुछ लैगी हो गए थे, इनको भी मैंने फिर से अगेन कर लिए। देखिए, ये है मेरे फायर स्टॉर्म की वैरायटी है ये। सकुलेंट्स के लिए आपने प्रिकॉशन तो है ज़रूरी, पर आपने ध्यान छोटी छोटी बातों का रखना है कि बस इसकी समय समय पर आप ज़्यादा केयर ना करें इसे, बस थोड़ी सी केयर बहुत काफ़ी इनके लिए। और इनको थोड़ा और प्लांटों के साथ भी रखें। देखिए, जैसे ये है मेरे, इनको भी मैंने कटिंग से बनाया,
ये प्लांट मेरा लैगी हो गया था, इसको मैंने काट के फिर से ग्रो किया है। और हाँ, इस समय कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपने अपने सकुलेंट्स, कोई भी हो, चाहे वो नीम की खली हो या हरण इसकी खली, सरसों की खली हो। सरसों की खली कभी सकुलेंट्स में नहीं डलती है, सरसों की खली कभी सकुलेंट्स में नहीं डलती है, सिर्फ कैस्टर केक की खली डलती है सकुलेंट्स में। सकुलेंट्स जो जो आपकी जो सरसों की खली होती है वो उन चीज़ों में डलती है जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं, जिनमें जैसे कोई भी फूल वाले हों, जैसे आपके फल के प्लांट हों, फूलों के हों, उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्लांट को बूस्ट देने के लिए, फ्लावर ग्रो कराने के लिए। और हाँ, थर्ड सेशन है आपका आज सॉइल मिक्सचर सकुलेंट्स की। जो सकुलेंट्स की सॉइल है, जो बेस्ट सॉइल है सकुलेंट्स की, जिसमें सकुलेंट्स आपके गर्मी, विंटर, रेन सीजन तीनों में चल जाएंगे, वो है ये सिंडर। ये 2 mm का सिंडर है। ये इसलिए 2 mm का मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि जो ये रूट के कवर कर लेता है पूरा, जो मोटा सिंदर रहता है 5 से 6 mm का, वो मोटा होने के कारण उसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी काफ़ी पानी इसमें होल्ड ही नहीं होता, थोड़ा बहुत भी इसमें थोड़ा बहुत पानी सिंडर में होल्ड हो जाता है क्योंकि छोटा दाना है ये 2 mm का। और इस पे मैंने सिंडर है आपका 60%, बाकी मैंने मिलाया इसमें कैस्टर केक 10%, बाकी मैंने इसमें 20% मिलाया है पत्तों की खाद। पत्तों की खाद इसलिए मिलाई है ताकि ये प्लांट्स को की लीफ को ग्रोथ दे सकें, नेट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकें प्लांट्स को। वर्मी कंपोस्ट मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि वर्मी कंपोस्ट सर्दी में गर्म, उसमें नाइट्रोजन रहती है वर्मी कंपोस्ट में, जिस कारण आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि इसमें गर्म गैस छूटती है इसमें वर्मी कंपोस्ट में। और जो कैस्टर केक होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आपके प्लांट को ख़राब होने से बचाएगा, कोई भी बैक्टीरिया होगा उससे बचाएगा, जैसे अरंडी का तेल भी, ऑयल भी मिलता होगा बाज़ार में, उसी का कैस्टर केक होता है, जो उसका बच जाता है वेस्टेज, उसे लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स में डालने के लिए। अब है क्या, लीफ मोल्ड आपने वैसा यूज़ करना है कि बिल्कुल वो गला हो, बिल्कुल भुरभुरा हो जाए, एकदम पाउडर टाइप का, उस टाइप का यूज़ करना है। और इसमें नीम की खली भी थोड़ी सी मिलानी है। नीम की खली आपने 3 ग्राम नीम की खली मिलानी है उसमें, और पूरे मिक्सचर को थोड़ा सा पानी डालना, हल्का सा मिक्स करना है और धूप में सुखाना है। धूप में इसलिए सुखाना है क्योंकि जब नीम की खली पत्तों की खाद से मिलेगी तो उसमें फंगस डिजीज़ ग्रो हो जाएगी, जिससे आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए पहले आप उसको वो कर लीजिए, चार्ज कर लीजिए अपनी सॉइल को, जिससे वो फंगस डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी उसमें। अगर आपने ऐसे ही लगा दिया उसमें तो आपके प्लांट में फंगस पकड़ेगा, पहले आपकी पूरी सॉइल में फंगस पकड़ देगा। ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ जिससे मुझे अब पता चल गया है कि इसको पहले क्या करना है प्लांट को। तो आप पहले इसे चार्ज कर लीजिए, ना कि डायरेक्ट उसको ऐसे लगा दीजिए मिक्स करके। तो आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि आप पानी कैसे लगाते हैं सकुलेंट में, लीफ में पैरेंट कितना देना है, तो मैंने इस सेशन में सब कुछ बता दिया है। अगर किसी भी कोई क्वारी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।